मानसिक स्वास्थ्य और इससे जुड़ी चिकित्सा प्रणाली को लेकर आज भी हमारे समाज में जानकारी की बहुत कमी है, खासकर अगर हम मेंटल हॉस्पिटल्स की बात करें तो। वर्षों से चली आ रही अफवाहें और फिल्मों और कहानियों में दिखाए गए बारबेरिक दृश्यों के वजह से लोगों के दिमाग में कई सारी ऐसी भ्रांतियाँ हैं जो मेंटल हॉस्पिटल्स को लेकर आज भी मौजूद हैं। हमारे सफ़र का उद्देश्य है आपको साइकियाट्री वार्ड की एक करीब से दृश्य दिखानी और साथ ही जो भी सवाल या फिर भ्रम लोगों के दिमाग में मौजूद है उसे दूर करना। तो बस बिना किसी वक्त गवाए ले चलते हैं हम आपको इस सफ़र पर। पृथ्वी पर शांति हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, आंतरिक आनंद से भरा रहे हर इंसान, तन मन धन मिले सबको एक समान, खुशियों और उत्तम स्वास्थ्य पर सबका समान अधिकार है। दुर्भाग्य से तमाम उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद हम इसमें पूर्णतया सफल नहीं हो पाए हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी एक ऐसा ही क्षेत्र है, वो क्षेत्र जिससे ग्रसित रोगी को आम बोलचाल की भाषा में पागल कहा जाता है। दरअसल हमारी अवधारणा इस बीमारी के प्रति आज भी सकारात्मक नहीं हो पाई है। न सिर्फ मानसिक रोगियों को वरन चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों और यहां तक कि जिस शहर में ऐसे अस्पताल होते हैं वहां के लोगों तक को उपहास का पात्र बनाया जाता है। जबकि सच्चाई यही है कि आज इस चिकित्सा क्षेत्र की संपूर्ण विश्व को न सिर्फ बहुत आवश्यकता है बल्कि ये क्षेत्र रोजगार का बड़ा अवसर सृजित करने में भी सक्षम है। दूरदृष्टा अंग्रेजों ने इस आवश्यकता को समझ लिया था। यही कारण है कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले सन 1918 में उन्होंने सुंदर और एक समान जलवायु वाले रांची शहर में ये अस्पताल खोला, ताकि यहाँ की अच्छी आबोहवा के प्रभाव से मानसिक रोगी का उपचार आसानी से हो सके। हालांकि तब यह सिर्फ यूरोपियनों के लिए था और इसलिए इसका नाम यूरोपियन मेंटल असाइलम रखा गया था। असाइलम का आशय है एक प्रकार की जेल। वैसे तो ये अस्पताल कुल 211 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसमें आरंभ से ही मानसिक रोगियों को खुला ही रखा जाता रहा है। फिर भी नाम में जेल का अर्थ सटीक प्रतीत नहीं होता था। कुछ ही दिनों में इसका नाम बदलकर हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज किया गया। तब भी यह सिर्फ यूरोपियनों के लिए ही था। सन 1922 में तत्कालीन निदेशक A.R. बर्कले हिल के प्रयासों से इसका नाम बदलकर यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल किया गया, जो देश की आजादी तक चला। इस बीच मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में इस प्रयोग की उपयोगिता को देखते हुए गैर यूरोपियनों के लिए भी अंग्रेजों ने ही निकट में ही रांची मेंटल हॉस्पिटल खोला, जिसे आज रेनपास के नाम से जाना जाता है। बहरहाल देश की आजादी के बाद ये देशवासियों के लिए खुल गया और तब इसका नाम बदलकर इंटर प्रोविंशियल मेंटल हॉस्पिटल हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे अपने अधीन रखा था और इसमें प्रत्येक प्रोविंस अर्थात प्रांत के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया था। और फिर आई आजादी। आजादी के बाद सन 1947 में ही यह आरोग्यशाला बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अधीन आ गई और केंद्र सरकार ने इसे संस्थान का दर्जा दे दिया और तब इसे मिला इसका वर्तमान नाम केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, जिसे इसकी अंग्रेजी संक्षिप्ताक्षर में CIP के नाम से बुलाया जाता है। नामकरण की इस कहानी के साथ साथ इस संस्थान से जुड़ी कई बातें बेहद रोचक हैं, जैसे इसकी वनस्पति। निर्माण के पूर्व इस क्षेत्र में पर्याप्त जंगल थे और भौगोलिक स्थिति के कारण इस स्थान का तापमान अपेक्षाकृत काफी कम रहता था। आज भी रांची जिले में ठंड के मौसम में भी सबसे कम तापमान कांके क्षेत्र का ही रहता है। 211 एकड़ के सघन जंगल में से मात्र 30% हिस्से में ही भवनों के निर्माण किए गए हैं और बाकी का पूरा क्षेत्र प्राकृतिक हरियाली से परिपूर्ण है। आज भी 100-200 वर्ष पुराने कई वृक्ष यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। हरियाली के अलावा इस पूरे परिसर के दो भाग हैं, पुरुष रोगियों का एक भाग तथा स्त्री रोगियों का दूसरा भाग। इन दोनों विभागों को विभाजित करते हैं जांच केंद्र, पाकशाला तथा अन्य प्रशासनिक भवन। दोनों ही ओर के भाग में जो पुराने मकान बने हैं उनका शिल्प विधान एक रखा गया है, अर्थात यदि आप मात्र एक विभाग के भवनों को देखें तो समझ सकते हैं कि दूसरे भाग में क्या होगा।
इन भवनों में भी कई रोचक बातें हैं। इनमें कई की छतों की ढलान ध्यान आकर्षित करती हैं। बताया जाता है कि उस समय यहाँ जाड़े के दिनों में काफी बर्फ पड़ा करती थी, इसलिए छतों को इतना अधिक ढलावा बनाया गया था। दूसरी बात कि रोगियों के लिए चर्च आदि भी बनाए गए हैं। आज भी संस्थान के प्रशासनिक ढांचे में पुजारी, पादरी तथा मौलवी आदि के पद स्वीकृत हैं। ये और ऐसी ही कई रोचक बातों से भरा है सीआईपी का ये पूरा परिसर। 1918 में 17 मई को इसका प्रतिष्ठा हुआ था और उसके बाद से अभी हम लोग 105वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं 17 मई 2022 को। तो इसका इतिहास जो है ये बहुत गौरवमय रहा है और इसका स्थापना ब्रिटिशर्स द्वारा हुआ था और 1922 में उस समय जब स्थापना हुआ था इसका नाम था यूरोपियन मेंटल एसाइलम। तो उस समय यहाँ सिर्फ यूरोपियन मरीजों का इलाज होता था और इंडियन मरीज का इलाज यहाँ पे नहीं होता था। और उस समय हॉस्पिटल खासतौर पे जो मेंटल हॉस्पिटल है उसका भी कॉन्सेप्ट नहीं था और इसलिए इसको एसाइलम कहा जाता था। और एसाइलम का मतलब है लोगों के मन में जो एक आता है कि एक प्रिजन काइंड ऑफ थिंग है। तो 1922 में ये जाके इसका नाम बदला, यूरोपियन मेंटल एसाइलम से यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल बना और उसी समय से ये एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा चलाया गया। फिर 1948 में मतलब इंडिपेंडेंस के बाद तो इसका नामकरण फिर बदला और उस समय नाम हुआ इंटर प्रोविंशियल मेंटल हॉस्पिटल। फिर 1952 में जाके इसका फिर नाम बदला और नाम हुआ हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेज। फिर 1954 में ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को डिजॉल्व किया गया और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर किया और 1977 में इसका नाम बदल के अभी का जो नाम है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री हुआ। संस्थान के प्रवेश द्वार को ही लें तो आपको नवीकरण के साथ साथ दरवाजों और मेहराबों में अंग्रेजों के जमाने की झलक मिल जाएगी। ऐसी ही झलक निदेशक के कक्ष से भी मिलती है और प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष से भी। वाकई अंदर का शांत और प्राकृतिक सुषमा से आच्छादित वातावरण मुग्धकारी है। बताया जाता है कि यहाँ का जांच केंद्र बहुत खास है। एक तरफ से देखा जाए इसको स्वयं संपूर्ण सोच के बनाया गया, जो इसको कहीं बाहरी चीज के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े और थोड़ा सा शहर से दूरी में बनाया गया, जो थोड़ा एनवायरनमेंट थोड़ा सेरेन हो, थोड़ा पीसफुल हो। और ऐसे ही आप देखे हैं जो इतने पेड़ पौधे हैं और इतने पक्षियाँ का हमेशा आवाज़ मिलते रहेगा आपको। तो बहुत ही एक सेरेन एनवायरनमेंट है और यहाँ पे आमतौर पे जब मरीज लोग आता है तो काफ़ी समय देखा जाता है जो गार्जियन लोग जिस तरह से बताते हैं जो मरीज इतना डिस्टर्ब है, घर में रखना संभव नहीं है। जब हम लोग देखते हैं तो उतना डिस्टर्ब नज़र नहीं आते हैं। तो मरीज को हम लोग, घर वाले को हम लोग बोलते हैं जैसे आप बता रहे हो ऐसा तो नहीं है। तो फिर वो लोग ने बोलता है जे शायद यहाँ का हवा में ही कुछ है, जो यहाँ आते आते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है इलाज के पहले ही। हमारे कैमरे की रुचि बढ़ जाती है। यहाँ जांच केंद्र इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें देश की एकमात्र FMR मशीन है जिसकी क्षमता 3 टेस्ला है, जबकि देश भर में अधिकतम 1.5 टेस्ला की मशीनें ही उपलब्ध हैं। ये मशीन दिमाग का विशेष अध्ययन कर विश्लेषण करने में सक्षम है। इसके अलावा केंद्र में कुछ अन्य उच्च क्षमता की मशीनें भी लगी हैं जिनके माध्यम से नई तकनीकों के द्वारा RTMS चुंबकीय परिक्षेत्र का निर्माण कर इलाज किया जाता है, हालांकि ये काफी खर्चीला होता है। अभी भी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं
वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। मतलब अगर आप जैसे सोचें हमारे पास FMRI है, तो जो जिसका जो पावर हम लोग बोलते हैं उसको 3 टेस्ला पावर है, और हमारे देश में और कोई साइकेट्रिक संस्थान में इतना पावर वाला मशीन FMRI मशीन अवेलेबल नहीं है। लोगों के पास आमतौर पे 1.5 टेस्ला का मशीन है, हमारे पास उसका डबल 3 टेस्ला का मशीन है। तो काफ़ी एडवांस रिसर्च इसमें हम लोग जो मानसिक रोगियों का अलग अलग तरह का व्यवहार होता है उसके लिए कर रहे हैं। और ऐसे और भी एडवांस्ड जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और न्यूरोफिजियोलॉजी के फील्ड में हैं वो हमारे पास हैं। और जो आज के दिन में और एक एडवांस टेक्निक कहा जा रहा है जिसको ब्रेन स्टिमुलेशन या न्यूरो स्टिमुलेशन कहा जाता है, जो RTMS ट्रांस क्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन है, फिर TDCS ट्रांस क्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन है, तो ये सब भी हमारे पास। और इसका लेटेस्ट जो HD TDCS है, हाई डेफिनेशन TDCS, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसका इस्तेमाल हम लोग रिसर्च के लिए भी और रूटीन क्लिनिकल पर्पस के लिए भी कर रहे हैं। ये एक आधुनिक जांच CIP में आपको मिल सकती है, जिसको बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक जांच, जिसमें 256 चैनल्स इसमें लगा हुआ रहता है, जो ब्रेन के हर एक एरिया को, जो उसके तरंग से तरंग को कैप्चर किया जाता है, और इससे ब्रेन में क्या गतिविधि हो रही है उसके बारे में हमको पता चल सकता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पेशेंट का जो है ब्रेन आपको दिख रहा है। तो ये जो इलाज है इसको बोलते हैं रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसमें मैग्नेटिक तरंग ब्रेन को भेजा जाता है। जो मरीज दवाइयों से, अगर मान लीजिए कि इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसे मरीजों को हम रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन जैसे कुछ आधुनिक ट्रीटमेंट से हम पेशेंट का इलाज करते हैं। इस तरह यहाँ की पाकशाला भी अनूठी है। इसमें खाना बनाने के ज्यादातर काम मशीनों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। पाकशाला से ही पुरुष तथा महिला भाग में भोजन पहुंचाने की अलग अलग व्यवस्था रखी गई है। इन भवनों को देखने परखने के क्रम में आपको यत्र तत्र घूमते हुए कुछ विशेष एकरंगी परिधान पहने लोग दिखेंगे। ये यहाँ दाखिल मनोरोगी हैं जो पूरे क्षेत्र में उन्मुक्त घूमते रहते हैं। ये विशेष परिधान उन्हें इसलिए दिया जाता है ताकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यदि ये किसी तरह चिकित्सालय की ये विशाल चारदीवारी लांघ कर निकलने में सफल हो जाएं, तो परिधान के कारण इन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। दरअसल मनोरोगियों को इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था में रखकर उनको उच्च स्तरीय उपचार की सुविधा देने वाला ये विश्व का अकेला संस्थान है। क्योंकि 1980-90 के दशक से मनोरोगियों के लिए अलग अस्पताल का चलन पश्चिमी देशों में समाप्त हो गया है। अब वहां सामान्य अस्पतालों में ही मनश्चिकित्सा भी एक विभाग मात्र होता है। यह संस्थान की विशिष्टता का ही प्रभाव था कि इसी के तर्ज पर लंदन में प्रसिद्ध मॉर्सिस्टी हॉस्पिटल बनाया गया। इस अस्पताल में देश विदेश से आए मरीजों के उपचार के साथ साथ 4 विषयों की पढ़ाई भी होती है। संस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश शर्मा जी बताते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि हमारे संस्थान में कौन कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो 5 कोर्सेज की यहां पर पढ़ाई होती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊं MD साइकाइट्री के बारे में। तो MD साइकाइट्री वो छात्र कर सकते हैं जिन्होंने MBBS का स्नातक कंप्लीट कर लिया हो। दूसरा कोर्स है MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान में MPhil।
तीसरा कोर्स जो है वो है एमफिल साइकाइट्रिक सोशल वर्क, ये भी 2 साल का ही कोर्स है। और अंतिम में जो कोर्स यहाँ चलाया जाता है वो है डिप्लोमा इन साइकाइट्रिक नर्सिंग, मतलब वो परिचारिकाएं नर्सेज जो साइकाइट्रिक नर्सिंग में स्पेशलाइज करना चाहती हैं और जिन्होंने जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी किया हुआ है वो इस एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम वो देती हैं। और इसमें प्रत्येक साल 23 सीटें हैं इस संस्थान में, ये 1 वर्ष का ही कोर्स है। संस्थान बनने के साथ साथ इस संस्थान से कई रोचक बातें जुड़ती चली गईं। मसलन मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी थेरेपी सर्वप्रथम यहीं आरंभ होती रही है, वो ECP अर्थात शॉक थेरेपी हो, म्यूजिक थेरेपी हो या फिर आधुनिक मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी। यहाँ तक कि कई दवाओं का प्रयोग भी सर्वप्रथम यहीं किया गया। जैसे कि आज के युग में हम लोग जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रकार से दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती है, तो हमारा संस्थान जो है इस क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहा है। इस तरह से कि जितनी भी दवाइयाँ जब जब वो इजाद हुआ है, उनका डिस्कवरी हुआ है, तो उसका सबसे पहला प्रयोग CIP में हमारे संस्थान में हुआ है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो मानसिक रोगों के इलाज के लिए जो एंटीसाइकोटिक का प्रयोग किया जाता है, सबसे पहला एंटीसाइकोटिक जो डिस्कवर हुआ था वो क्लोरप्रोमाजीन होता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल हमारे देश में CIP में हुआ 1953 में। इस प्रकार उपचार के सशक्त संसाधनों से संपन्न इस संस्थान में मरीजों के लिए कुल 643 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें से 222 बेड महिलाओं के लिए, 18 बेड बच्चों के लिए तथा शेष पुरुषों के लिए हैं। इस आवासीय अस्पताल में चिकित्सा सुविधा लगभग निःशुल्क है। मरीजों के लिए यहाँ 3 प्रकार के आवासीय भवन बने हैं। यहाँ 1 बेड का भवन है जिसके लिए 40 रुपये प्रति माह तथा मरीज जहाँ से लाया गया है वहाँ तक का किराया सुरक्षित राशि के रूप में लिया जाता है। दूसरे प्रकार के आवासों में प्रत्येक में 6 से 7 बेड लगे हैं, इसके लिए प्रति माह 30 रुपये की राशि देय है। तीसरे तक के आवासीय भवन में 20 बेड रखे गए हैं, जिसके लिए मात्र 10 रुपये प्रति माह की राशि ली जाती है। बच्चों के लिए अलग से भवन बने हैं जिसमें 1 अभिभावक का रहना अनिवार्य है। ट्रीटमेंट तो अच्छा से की जा रही है मेरे बच्चा का, मतलब पहले से, मतलब मेरा बच्चा बहुत हुलचल करता था, घर में गाली गलौज झगड़ा झाटी भी करता था, थोड़ा सा दौड़ता था, भाग जाता था, लेकिन जब से यहाँ से ट्रीटमेंट किए हैं मेरा बच्चा अभी शांत है, जो बोल रहे हैं सो सुन रहा है, जहाँ बैठने बोल रहे बैठ रहा है, खा रहा है अच्छा से खाना उना सब कुछ है। और डॉक्टर नर्स भी बहुत अपना जैसा ख्याल रखते हैं, हर मिनट मिनट में जाते हैं, देखते हैं, करते हैं, उनको दवा भी खा रहा है सब कुछ। सवेरे में PT होता है, PT होने के बाद खेल कराते हैं, खेल होने के बाद शाम को भी सवेरे भी राउंड के ले जाते हैं वॉक के लिए, फिर शाम को भी ले जाते हैं 2 टाइम, ये सब नर्स टीचर बताते हैं सब कुछ और करते हैं सब। यहाँ पे पहले जानकारी नहीं था कि कैसे ठीक हो, मतलब पहले मेरा बच्चा बहुत तंग करता था, ठीक से बोल नहीं पाता था और इधर उधर चलते रहता था, दौड़ते रहता था, क्या गाड़ी आ रहा है, क्या घोड़ा आ रहा है, कुछ नहीं जानता था कि कहाँ पर रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है, ऐसे ही दौड़ते रहता था। यहाँ आने के बाद अभी कुछ सुधार हुआ है, मतलब बच्चा भी बोल पा रहा है और जो स्थिर है, हल्का हल्का स्थिर है अभी। 15 दिन हम लोग का आया हुआ है, 15 दिन हो गया है हम लोग का आया हुआ। इन भवनों के नाम भी कम रोचक नहीं है। आज़ादी के पहले जिन चिकित्सकों ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, उनको सम्मान देने के लिए इन भवनों का नाम उनके नाम पर रखा गया है, जैसे मॉर्सले, क्रेपलिन, कोनोली, ट्यूक, कॉलेन, मिनेल आदि। इन भवनों के अलावा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष भवन बनाए गए हैं तथा उनका भी नामकरण किया गया है। मरीजों को इन सभी भवनों में समान प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बेहतर प्रसाधन कक्ष, बैठक तथा पत्र पत्रिका पढ़ने का स्थान, तो मनोरंजन के लिए TV आदि भी लगाए गए हैं। इस क्रम में एक रोचक बात यह भी है कि आज भी यहाँ कई मरीज ऐसे हैं जो 30-40 वर्षों से यहीं हैं। Thank you.
यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक विशिष्ट पुस्तकालय भी बनाया गया है, जो न सिर्फ अपने देश में अपने ढंग का अकेला है, वरन विदेशों में भी इस प्रकार की सुविधा अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। हमारा जो मेडिकल लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी है वो भी काफ़ी यूनिक है, क्योंकि हमारे पास और इस देश में और कहीं पे इतना बड़ा लाइब्रेरी इस फील्ड में, मेंटल हेल्थ का फील्ड में नहीं है। इस पुस्तकालय में एक तरफ मनश्चिकित्सा से संबंधित अंग्रेजी की किताबें हैं तो दूसरी तरफ देश विदेश के शोध पत्र भी रखे गए हैं। पत्रिकाओं और जर्नलों को उचित स्थान दिया गया है तो एक पूरा विभाग हिंदी की किताबों के लिए भी रखा गया है। यहाँ बैठकर पढ़ने की सुविधा भी बहुत बेहतर है। पुस्तकालय का अपना कैंटीन भी है। ज्ञान दुर्गामी सोच और अनूठे वातावरण का प्रभाव ही है कि संस्थान की कई योजनाएं न सिर्फ महत्वाकांक्षी रहीं वरन भविष्य के लिए भी इस क्षेत्र को एक दिशा देने वाली है। खासतौर पे कोविड के बाद जो भी शोध हुआ है उसमें पाया जा रहा है जो लगभग 20% का बढ़ोतरी हुआ है मानसिक रोगों में। उसका कई सारे कारण है, जैसे लॉकडाउन है, जैसे इमीडिएट कीथ एंड कीन्स क्लोज वंस का डेथ है, जैसे लॉस ऑफ जॉब या एम्प्लॉयमेंट है, तो सारे क्षेत्र में जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है। लोगों ने 2020 से टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज को जोड़े हैं और आज के दिन में कई लोग इसका सुविधा ले रहे हैं। और अभी हाल में हम लोगों ने झारखंड राज्य सरकार का डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ये है उन लोगों के साथ भी हम लोग जोड़ रहे हैं ई संजीवनी पोर्टल के द्वारा। तो ऐसे देखा जाए तो और भी कई सारे क्लिनिक हम लोगों ने शुरू किया है और लगभग आज के दिन में 19 स्पेशल क्लिनिक हम लोग चलाते हैं। ये तो है ही, लेकिन रोचक बातों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इस संस्थान में स्वस्थ हो रहे मनोरोगियों के भावी जीवन के लिए आजीविका हेतु भी उपक्रम किया गया है। संस्थान परिसर के ही एक भाग में उन्हें तरह तरह का रोजगार परक प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसी तरह एक बड़े भूभाग में इच्छुक मनोरोगी खेती और बागवानी करते हुए भी नजर आते हैं। फिर उनके लिए मनोरंजन के साधन तथा कई तरह के खेलों की व्यवस्था तो है ही। दौड़ती भागती जिंदगी और तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। जहां दूसरी बीमारियों के लिए बेहद महंगे तथा कई बार असंवेदनशील उपचार कराना पड़ता है, वहीं ये अनजानी दुनिया जैसे समाज जीवन के लिए एक ठंडी बयार की तरह मन को सुकून देती लगती है। तभी तो किसी जमाने में इसे प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, संगीतज्ञ काजी नजरुल इस्लाम जैसे देश के विभूतियों का उपचार करने का गौरव हासिल है। ये नहीं महज एक संस्थान है, हमारे देश का गौरव, अनूठा है उपचार जिसका, अलबेला है निर्माण वैभव। इसके साथ ही हम अपने सफर के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक अस्पताल से जुड़े आपके सवालों का उत्तर देने में हम सक्षम रहे हों। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।